पद पंछी अक्षत्र पिजड़ा हो गई और नीतीश जी के राज में विधायक लोग हिजड़ा हो गए। भाजपा के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बिचौल अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। इस बार उन्होंने मधुबनी से राजद प्रत्याशी महराज आलम पर आरोप लगाए हैं। हरिभूषण ने मधुबनी स्टेडियम के भीतर 0.87 जमीन एकड़ पर स्टेडियम के बाहर 3.31 के अवैध अधिग्रहण का आरोप लगाया है। हमारे विरोधी दल के नेता माननीय तेजस्वी जी आज मधुबनी गए हैं, जैसी सूचना है हमको। मधुबनी में नामांकन समारोह में गए हैं, जिनका आतिथ्य करने वाले हैं डॉक्टर फैयाज अहमद, जो पूर्व विधायक हैं आरजेडी के। उन्होंने सरकारी जमीन का और स्टेडियम जो लगभग 4 एकड़ में है, उसके 1.60 एकड़ जमीन को अतिक्रमित कर लिया है। विधानसभा में भी ये 2-3 रोज पहले आया था, लेकिन सरकार का जवाब आया कि अतिक्रमित है। डॉक्टर फैयाज अहमद अपने पूर्वज के नाम पर, जो उनका कॉलेज है अमीर हसन कॉलेज मधुबनी में, उसके नाम पर सरकारी जमीन की जमाबंदी करा ली है। और स्टेडियम का वो जमीन है जहां बच्चे खेलते थे, मैं राजस्व मंत्री से मांग करता हूं कि उसको अतिक्रमित तुरंत खाली कराया जाए। और माननीय तेजस्वी जी से भी मांग करता हूँ कि इस पर जवाब दें। जो फैयाज अहमद उनके अगल बगल मधुबनी में घूम रहा है, उसका जहाँ तक सूचना है उसी के आतिथ्य में आज भोजन करेंगे, तो तेजस्वी जी का इस पर क्या वक्तव्य है? मैं आप लोगों को प्रति भी कुछ देता हूँ, जो मैंने राजस्व मंत्री से मांगा है और बिहार विधानसभा में भी इसका आया है, बिहार विधानसभा में भी इसका जवाब आया है। उस जवाब में स्पष्ट लिखा हुआ है, वस्तु स्थिति यह है कि अंचल अधिकारी रहिका के पत्रांक 559 दिनांक 4/22 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्टेडियम के सटे रकबा 4.18 एकड़ भूमि में से 0.87 एकड़ स्टेडियम के भीतर है, 3.31 एकड़ भूमि स्टेडियम से बाहर है। स्टेडियम से सटे बाहरी भूभाग अतिक्रमित है। जमाबंदी संख्या 7780 के अंतर्गत 1.60 एकड़ भूमि, जो अमीर हसन कॉलेज के सचिव डॉक्टर फैयाज अहमद के नाम से पंजी 2 में दर्ज है। ये फैयाज अहमद पूर्व विधायक है राजद के और तेजस्वी जी के अगल बगल रहते हैं, और तेजस्वी जी आज उनका मधुबनी में आतिथ्य स्वीकार करने वाले हैं। कार्रवाई ये हो कि दागी लोगों को, जो जमीन का घोटालाबाज है, सरकारी जमीन स्टेडियम का जमीन लिया है, उसके साथ नेता प्रतिपक्ष न दिखे, और दूसरा उसको तुरंत बुलडोजर लगाया जाए। साथ ही उन्होंने विनय बिहारी के विधायकों के हिजड़ा वाले बयान पर बिचौल ने कहा है कि हम मर्यादा में बंधे हैं। केवल फैयाज अहमद है और करोड़ों की जमीन है, लगभग 100 करोड़ की जमीन है। जी जी, विधायक है और अब ये तो कुछ मर्यादा से हम बंधे हुए हैं। हाँ। लेकिन कल भी आपने देखा होगा। हाँ। विधानसभा अध्यक्ष ही लाचारी जहाँ व्यक्त करते हो, तहाँ हम विधायकों का क्या हस्ती है। और दबे जबान में माननीय अध्यक्ष जी ने भी कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नेता को आईना दिखाया है। और इस पर निश्चित रूप से सबल नेतृत्व का एक काम होता है कि अगर कहीं कुछ लीकेज है उसको समय रहते दुरुस्त किया जाए, नहीं तो माननीय नीतीश जी के 16 साल के शासनकाल, वो कहते हैं जो ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, उस पर भी कल प्रश्न उठा। वो कहते हैं कि सबका न्याय सबका विकास, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठा है। कल सदन में जो हुआ है उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। इस पर निश्चित रूप से हमारे दोनों पार्टी, दोनों गठबंधन के बड़े नेता विचार करेंगे, क्योंकि हम लोग पब्लिक के ओपिनियन से बंधे हुए हैं और जनता सब जानती है। बता दें कि बगहा में आयोजित सर्वदलीय होली मिलन समारोह चल रहा था, जहां होली गीतों के साथ ही हंसी ठिठोरी का भी दौर चल रहा था। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और लोरिया के बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने भोजपुरी में एक दोहा सुनाते हुए कहा, पद पक्षी अक्षेत्र पिंजड़ा हो गईल, नीतीश जी के राज में विधायक लोग हिजड़ा हो गईल। बता दें कि विनय बिहारी भोजपुरी के चर्चित गायक और गीतकार रहे हैं। पटना से अभिषेक की रिपोर्ट।